मेहता का उल्टा चश्मा। मैं जाता हूँ बाबूजी। नहीं नहीं अरे क्या नहीं नहीं, अब तो ये दूसरे बच्चे ने भी गलती कर दी, अब तो ये अनुभवी बुजुर्ग को जाना ही चाहिए। नहीं नहीं आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अभी है? कोमल भाभी को भेजते हैं। क्यों? क्या क्रीज पे माधवी भाभी है ना, तो लेडीज लेडीज का तालमेल अच्छा रहेगा। आइए कोमल भाभी। और अब जेठा के जाबाज के अगले बल्लेबाज है कोमल भाभी। यस पिंकू। पिंकू की ये पांचवी गेंद कोमल भाभी को, कोमल भाभी ने बल्ला उठा दिया है और ये गेंद बाउंड्री के बाहर। भिड़े बाउंड्री को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। देखा बापूजी, देखा तालमेल, देखा इसमें क्या तालमेल। सामने लेडीज खड़े थे ना माधवी भाभी, तो उनको देख के जुस्सा आ गया कोमल भाभी को भी। ऐसा घरेलू लगता है ना। और ये पिंकू ने अपनी आखिरी गेंद डाली, कोमल भाभी ने बड़े शानदार तरीके से बल्ले को घुमाया है। ये क्या बॉल बावरी के पास है, कोमल भाभी माधवी भाभी को मना कर रही है, हो सकता है माधवी भाभी रन आउट हो जाएंगी। वो वापस क्रीज की तरफ दौड़ रही है और ये माधवी भाभी बच गई। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी टीम जीतती है और मेरे पास आती और कहती है सोने की चेन दो 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 दो। कहते हैं ना कि महिलाएं सही वक्त पर सही डिसीजन लेने में माहिर होती है और उसका सही प्रदर्शन हमें GPL 3 में नजर आ रहा है। वाह पोपटलाल जी, ऐसा लगता है कि महिलाओं के बारे में आपने काफी अच्छी स्टडी की है। थैंक यू चेरी जी। क्या है ना, मैं एक पत्रकार हूँ, समाज के हर तबके के बारे में स्टडी करता रहता हूँ। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मेरा मानना है कि इस संसार की सारी महिलाओं की जितनी तारीफ और स्टडी की जाए उतना कम है। वाह पोपटलाल जी, आपका महिलाओं के प्रति सम्मान देखकर मेरा आपके प्रति सम्मान बढ़ गया है। थैंक यू चेरी जी, थैंक यू। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह GPL 3 का मैच चलता रहे और हम इसी तरह कमेंट्री करते रहे करते रहे करते रहे। मुझे आपके साथ कमेंट्री करने में बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू यस कैप्टन। अंजलि, ये औरत में फेंकना है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया महिला शक्ति के सामने। महिला शक्ति तारक, डोंट वरी, तुम सिर्फ मेरा वुमन पावर देखो। बस ये बॉल इनके लिए ऐसे ही साबित होनी चाहिए जैसे मेरे लिए करेले का जूस। बॉल फेंको फटाफट, कम ऑन कम ऑन। अंजलि भाभी कम ऑन, राइट साइड, यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अंजलि भाभी कम ऑन। माधवी भाभी बैटिंग के लिए तैयार है और अंजलि भाभी की ये पहली गेंद। माधवी भाभी ने बॉल को नट्टू काका की ओर घुमा दिया है और नट्टू काका बॉल रोकने में नाकाम। और इधर माधवी भाभी ने बड़ी आसानी से एक रन ले लिया है। नट्टू काका आराम से आराम से। और इस एक रन की बढ़ोतरी के साथ जेठा के जाबाज का स्कोर हुआ है 23 रन। अंजलि आंटी, एक एक रन चलेगा, एक एक रन चलेगा। अंजलि भाभी ने कलाई घुमाकर बॉल डाला और कोमल भाभी रोशन भाभी की तरफ शॉट मारकर एक रन लेने के लिए दौड़ पड़ी है और एक रन पूरा कर लिया है। और दूसरे रन के लिए कोमल भाभी और माधवी भाभी ने दौड़ लगा दी है, क्रॉस सीधा नॉन स्ट्राइकर रन पर। लगता है माधवी भाभी रन आउट हो गई है। एक जबरदस्त अपील मेहता के महारथियों के द्वारा, देखते हैं अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। नो डाउट। क्लीन नॉट आउट है फिर भी अपील कर रहे हैं तो गलत है। नहीं नहीं बाबूजी, ये तो क्या खेल दिल्ली से खेल खेलना चाहिए ना। हाँ वो बराबर, चीटिंग करके क्या फायदा, जीत गए तो कोई फायदा।
टाइट फील्डिंग गाइस, टाइट फील्डिंग। मेरे बैंड अभी सिक्स चाहिए, सिक्स। और अंजलि भाभी ने एक बार फिर से कलाई घुमा कर बॉल डाली है और माधि भाभी ने ये बॉल को मारा है ऊपर और बाउंड्री होने की पूरी संभावना है, बॉल ऊपर हवा में। लेकिन बाउंड्री लाइन पर भिड़े कैच पकड़ने के लिए तैयार और ये माधि भाभी का कैच मैंने पकड़ लिया है। माधि भाभी का माहौल इस वक्त, सभी प्लेयर्स भीड़े की तरफ दौड़ पड़े हैं और सोडी ने भीड़े को उठा लिया है। कशालती तू उबेद, बच्चा सिक्स जाता था। बट वेल प्लेड माधवी भाभी। क्या जरूरत थी बोलने की, हमें सिक्स चाहिए, हमें सिक्स चाहिए। तू बोली इसलिए उन्होंने ऐसे उठाकर शॉट मारा, उसमें आउट हो गए। सॉरी सॉरी। खेल रहे होते हैं तो ऐसे खट्टे मीठे नोक झोंक के नजारे देखने में बेहद मजा आता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगली जीपीएल में मैं भी सामने की टीम से खेलकर आपसे इसी तरह नोकझोंक करूंगा चेरी जी। पोपटलाल जी, ध्यान कहाँ है आपका, स्कोर बताइए। तो स्कोर क्या है? 26-3। तो भाई अब जेठा के जाबाज का स्कोर है 26-3 के नुकसान पर। नहीं नहीं, आपका क्या कसूर है, ये सब इसका कसूर है। कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा खेले, मत भी अच्छा खेला। अच्छा तालमेल था कमल भाभी और माधवी भाभी में, वही कोई बात नहीं। चल मैं जाता हूँ। बाबू जी, बाबू जी, मैं क्या बोलता हूँ, आप अभी रहने दीजिए, अभी मैं अय्यर भाई को भेजता हूँ। अय्यर भाई के अच्छे खिलाड़ी नहीं है तो क्या हो, जल्दी से आउट हो जाएंगे ना, तो पीछे कोई संभालने के लिए चाहिए ना आपके जैसा अनुभव। और मान लीजिए उन्होंने थोड़े बहुत रन बना भी लिए तो भी अच्छा ही है, तो क्या आपको बाद में ज्यादा रन बनाने का टेंशन नहीं, आप फिर आराम से टहलते टहलते खेलना। अय्यर भाई आप जाइए। चले वो बापू जी का और रहने दो, अपने पास और भी है बैट। बैट दो। अरे भाई और रहने दो, ये लो। शांति से, शांति चित्त से खेलना। और ये अय्यर भाई बैटिंग के लिए क्रीज पर आ चुके हैं। सेम पे अंजलि, सेम लाइन एंड नाइन में डालो। और ये अंजलि भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली अय्यर भाई को, अय्यर भाई ने शॉट मार दिया है, फील्डर मेहता और भिड़े बॉल को रोकने में नाकाम रहे और बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। अय्यर की बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग हुई है, पहले ही बॉल में चौका और इस वक्त हम देख सकते हैं कि वो पिच पर डांस कर रहे हैं और उनके साथ ही जेठा के जाबाज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से खुशी से झूम रहे हैं। सॉरी अंजलि सॉरी। देखा देखा बाबूजी देखा। अरे क्या देखा, वो तो बोल रहा था वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। नहीं मतलब मैंने बोला ना कि उन्होंने अट्टे गट्टे ज्यादा रन बना लिए तो अपने लिए अच्छा है ना, आपको टेंशन कम ऐसा। अभी आप आराम से टहलते टहलते खेलना बाद में। बैठे बैठे बाबूजी बैठे। बढ़िया 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 शाबाश अय्यर भाई। अप्रतिम अंजलि भाभी, अप्रतिम बॉलिंग। और ये अंजलि भाभी ने अपनी आखिरी गेंद डाली अय्यर भाई को, अय्यर भाई ने बढ़िया शॉट मारा है, भिड़े बाउंड्री को रोकने में इस बार कामयाब हो गए, लेकिन अय्यर भाई को एक रन मिल ही गया। आराम से बस बस एक 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 आ गया। हो दिख रहा है आ गया अय्यर भाई है ना। ओवर। और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति पर जेठा के जाबाज का स्कोर है 3 के नुकसान पर 31 रन। 3 ओवर 31 रन, 2 रन से पीछे है। क्या जीतने के लिए हर ओवर में 11 रन चाहिए, तो अभी 33 होने चाहिए थे, 31 है। तुमने मुझे भेजा नहीं वरना अभी 4 रन आगे होते। नहीं नहीं जा जा वो हो जाएगा बाबू जी, पकड़ लेंगे पकड़। तारक कैसा लगा मेरा वुमन पावर? कमाल का अंजलि। ले ली ना विकेट मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ पे अच्छी अच्छी बॉलें डाली है वैसे मुझे भी कभी अच्छा अच्छा खाना खिला दिया करो। फील्डिंग फील्डिंग, नटू काका कम ऑन।
चौथी ओवर के लिए कैप्टन मेहता ने अनुभवी बॉलर नटू काका को आमंत्रित किया है। नटू काका, आपकी ऑफ स्पिन बड़ी कमाल की है, अब दिखाइए अपने ऑफ स्पिन का कमाल, और मुझे इस ओवर में प्लीज कम से कम 2 विकेट जरूर चाहिए। यस कैप्टन, वेरी गुड, आई लाइक दिस प्लेट, कम ऑन सर। यस यस, कम ऑन, दैट्स इट नटू काका। हर बॉलर आज एक अलग अंदाज में बॉलिंग करने के लिए तैयार है। देखिए नटू काका किस तरह से अपने हाथ को घुमा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा नटू काका बॉलिंग कर रहे हैं या तलवारबाजी। ये नटू काका ने अपनी पहली गेंद डाली अय्यर भाई को और अय्यर भाई ने शॉट मारकर बॉल को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया। भिड़े को बॉल रोकने का कोई मौका नहीं मिला। देखा बाबूजी, मस्त है एकदम, स्ट्रेट ड्राइव। अच्छा आपके लिए अच्छा ही है ना, टहलते टहलते अपनी अगली तलवारबाजी के लिए तैयार, मतलब है अपनी अगली गेंद के लिए तैयार। कमान नटू काका, कमान कमान नटू काका, कमान। और नटू काका की अगली गेंद का सामना करेंगी कोमल भाभी। कोमल भाभी ने स्लिप में बॉल को बाउंड्री की तरफ घुमा दिया है और बाउंड्री ने रन आउट करने के बॉल को बॉलर सेल पर थ्रो किया है, लेकिन ये क्या, बॉल स्टंप पे लगने की जगह सीधे बाउंड्री के बाहर और ये 4 रन। और इस तरह जेठा के जाबाज को ओवरथ्रो की वजह से 4 एक्स्ट्रा रन मिले। बावरी, क्या कर दिया तूने? अरे बावरी, बाउंड्री के बाहर नहीं, स्टंप के पास फेंकना है, जा दियो ना पीने। बावरी, जहाँ 1 रन भी नहीं होना चाहिए, 4-4 रन ओवरथ्रो में। बावरी, टाइट फील्डिंग प्लीज। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी जी, जब बैट्समैन भागता हो तभी थ्रो करना चाहिए, ऐसे ओवर थ्रो में खाली फुकट हमें 4 रन दे दिए ना। तो क्या मेहता के मारथी का कोच है? नहीं सेठ जी। तो फिर क्या सिखा रहा है बावरी को? बच्चा चुपचाप। सॉरी। किसकी टीम में तू? आपकी। तो फिर सॉरी, थ्रो भी बराबर नहीं किया, स्टंप पे लगता तो यार आउट हो जाता और मैं चला जाता। कम ऑन नटुका, कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। और ये नटू काका ने अपनी अगली गेंद डाली कोमल भाभी को, कोमल भाभी ने रोशन भाभी की ओर शॉट मार दिया है, बॉल हवा में उछल रहा है, ये क्या, एंड मौके पर सोनी भाई ने आकर कैच पकड़ लिया और ये कोमल भाभी आउट। गुड गुड गुड, मेहता के मारे थे गुड। रोशन तेरे से जो वादा किया था वो निभा दिया, बोला था ना तेरी कैच मैं पकड़ लूंगा। जीवे रे जीवे मारे रोशन। आई लव यू। सच में पति हो तो सोनी भाई जैसा, दुनिया की परवाह किए बिना रोशन भाभी से कितना खुल्ला खुल्ला प्यार करते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए चेरी जी, प्यार के मामले में मैं भी सोनी भाई जैसा ही हूँ। सॉरी, मैंने बाउंड्री मारने की पूरी कोशिश की, पता नहीं एज पे बॉल लग गई और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा कर लिया आपने, अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश थी, सही में बहुत डिफिकल्ट कैच था, कोई बात। चल जेठा, अभी तो मैं जाऊं ना। नहीं नहीं बाबूजी, अभी क्या है, मैच एकदम गंभीर परिस्थिति में आके अटक गई है, अभी आप गए और न करे नारायण आप जल्दी आउट हो गए तो फिर पीछे कोई अनुभवी बचा गई नहीं बाबूजी, हम सबका हौसला टूट जाएगा बाबूजी, हम मैच हार जाएंगे, इसलिए अभी रहने दीजिए, अभी मैं जाता हूँ बाबूजी। जेठा के जाबाज की लुढ़कती हुई पारी संभालने के लिए कप्तान जेठालाल खुद मैदान में आ पहुंचे हैं। कम ऑन जेठालाल, आपको मैच जीतना है, कम ऑन। तो अब कप्तान जेठालाल खुद मैदान पर आए हैं, तो आसिफ भाई आपका क्या कहना है कि जेठालाल कुछ कमाल दिखा पाएंगे कि नहीं? देखो चेरी, मुझे लगता है कि जेठालाल के सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, काफी तनावग्रस्त स्थिति में मैच पहुंचा हुआ है और मुझे लगता है कि जेठालाल को काफी सूझबूझ से बैटिंग करनी पड़ेगी, और अगर जेठालाल ने अगर अपनी विकेट सस्ते में गवा दी और कोई भी मिस्टेक कर दी
तो मुझे नहीं लगता है कि जेठा के जाबाज मैच जीत पाएंगे, क्योंकि जेठा के जाबाज की टीम बैटिंग में थोड़ी कमजोर है। कम ऑन जेठालाल, अगर ये चेन जीतनी है और मैच जीतनी है आपको कुछ कर दिखाना पड़ेगा। कम ऑन जेठालाल, कम ऑन। और मेहता के महारथी, आपको अगर ये मैच जीतनी है तो पहले जेठालाल को आउट करना होगा। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जेठालाल जेठालाल जेठालाल। सेठ जी, वन रिक्वेस्ट, मैं पहले ही बोल में अगर आपको क्लीन बोल्ड कर दूं तो उसका गुस्सा दुकान में मुझ पर मत निकालिएगा प्लीज। नट्टो काका, मैं भी आपके पहली बॉल पे अगर सिक्सर मारू ना तो उसका गुस्सा आप दुकान में काम पे मत निकालना, ठीक है? काम बराबर करना। ओके बॉस। अरे नट्टू काका, आज वो आपके बॉस नहीं है, आज वो सामने वाली टीम के कैप्टन है और आपका ध्यान उनके विकेट पे होना चाहिए। ओके ओके बॉस। कैप्टन। ओके सॉरी, ओके कैप्टन। ओके ओके, कम ऑन नाउ, कम ऑन। और ये नट्टू काका ने अपनी अगली गेंद डाली जेठालाल को, और ये जेठालाल ने बॉल को आसमान में उछाल दिया है, और ये सीधा सिक्सर। जेठा की जाबाज का स्कोर 46 रन पर पहुंच चुका है। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है कप्तान जेठालाल ने। लगाया तुमने। ऐसे खेलना। यस यस। दिखाया आपको कैसे सिक्सर मारने का। आपको ऐसा बोला था, आप भी ऐसे ही मारना, ठीक है? वाह वाह कैप्टन, क्या सुपर शुरुआत की है। सही बात है गोगी, ये शिक्षा तेरे लिए था बेटा। गिगल करो कैप्टन, थैंक यू, आई लव यू। यस। ओहो जेठा ब्रा, मेरे गोगी पुत्र के लिए देख। और यार तुम मेरे पुत्र को कितना चाहते हो, सुनिए जेठा, थैंक यू। और ये नट्टू काका तलवारबाजी करते हुए अपनी आखिरी गेंद डाल रहे हैं जेठालाल को। जेठालाल ने बॉल को हल्के से घुमा दिया है, पिंकू की हल्की सी मिसफील्डिंग का फायदा उठाते हुए अय्यर भाई रन के लिए दौड़ पर है, लेकिन बाद जेठालाल उन्हें मना कर रहे हैं। बच गए अय्यर भाई। पिंकू अच्छा फील्डर है भाई, शांति। उमर। ओके। ओवर की समाप्ति, जेठा के जाबाज का स्कोर हुआ है 4 विकेट के नुकसान पर 46 रन। इसका मतलब है अगली 6 ओवर में जेठा के जाबाज को 65 रन जुटाने हैं। अय्यर भाई, एक भी बॉल जाने मत देना खाली, सिंगल तो सिंगल, दौड़ते रहते हैं, रन लेते रहते हैं। जेठालाल मेरे को तो मालूम है, तुम बस मेरा इशारा देख कर दौड़ पड़ना। किस टाइप का इशारा करेंगे आप? अच्छा पहले आप मारेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर दौड़ेंगे, इतने में तो वो फील्डर बॉल ऐसे पकड़ के फेंक देगा। मार के सीधा दौड़ने का, लगा कि रन है तो दौड़ जाने का, इशारा बिशारा छोड़ो अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चेरी जी, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल होगा जेठा के जाबाज के लिए। वेल पोपटलाल जी, हम क्रिकेट में आखिरी ओवर तक कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी भी वक्त बाजी पलट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा, जबरदस्त खेल का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर GPL 3 में। एक दरिया के दो किनारे जो कभी आपस में मिल नहीं सकते, बिल्कुल ठीक समझा आपने, मैं जेठालाल और अय्यर की बात ही कर रहा हूँ। ये दोनों ठीक ऐसे ही है जैसे एक आग तो दूसरा पानी, एक पूरब की ओर दौड़ेगा तो दूसरा पश्चिम की ओर। ये जब दोनों साथ होते हैं ना तो लगता है एक मयान में दो तलवारें कैसे रहेंगी, लेकिन इस वक्त एक मयान में इन दो तलवारों को रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि रनों के लिए दोनों का पिच पे तालमेल होना आवश्यक है। लेकिन इन दोनों के स्वभाव को देखते हुए मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तालमेल एक तूफान में तब्दील होने जा रहा है, और इस तूफान का फायदा कैप्टन मेहता यानी कि मैं कैसे उठाऊंगा, किसे बॉल की जिम्मेदारी देकर इस तूफान का फायदा उठाऊंगा मैं, भाई तो बड़ा टेंशन है। लेकिन आप टेंशन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहां टेंशन मेरे दिमाग में जरूर है कि मैं बॉल किसे दूं, लेकिन आपके घरों में हंसने के लिए कोई टेंशन नहीं, बस अटेंशन रही हंसने के लिए। और मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फ्रेंड्स,
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.